हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें। लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 15 मिनट में बनने वाला गाजर का हलवा। फ्रेंड्स, गाजर का हलवा सभी को पसंद आता है, लेकिन उसमें जो ग्रेट करना पड़ता है, कद्दूकस करना पड़ता है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका लेकर आई हूँ। मैंने 1 केजी गाजर लिया है, बिल्कुल ही रेड गाजर लिया है। मैंने सारे का छिलका निकाल दिया है, आप देख सकते हैं, और ऊपर और नीचे का जो गंदा पार्ट होता है उसे मैंने निकाल दिया है और अच्छे से मैंने इसे वॉश कर लिया है। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसमें हम गाजर को काट लेंगे, रफली काटेंगे, छोटा छोटा पीस ही रखना है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बारीक कट करना है, बस रफली कट करना है। जिस तरह से मैं कट कर रही हूं उसी तरह से आप भी कट करें। ये बहुत आसान है बनाना, इसे आप इसे एक बार जरूर बनाएं। ये देखिए, मैंने सारा कट कर लिया है, बिल्कुल ही मैंने बारीक नहीं काटा है, रफली कट किया है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छा से कट गया। अब इन सभी को हम पीस लेंगे। एक जार लूंगी मैं, इसमें थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसे हम पीस लेंगे। मैं आपको पीस कर भी दिखाऊंगी किस तरह आपको पीसना है, आप सोचेंगे जूस कहीं ना निकल जाए। चलिए हम इसे पीस के दिखाते हैं। ये देखिए, हम 2 सेकंड के लिए ऑन करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ कर देंगे। इसी तरह से हमें 3 से 4 बार इसे पीस लेना है। बहुत ही आसानी से ये पीस जाते हैं। ये देखिए, मेरा बिल्कुल ही पिसा गया है गाजर। आपको लग रहा होगा कि जूस निकला होगा, देखिए मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, बिल्कुल भी जूस नहीं है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी जूस नहीं है। जिस तरह से हम गाजर को कद्दूकस करते हैं उसी प्रकार से ये हमारा पिसा भी गया है, आप देखिए, बिल्कुल भी जूस नहीं है। आपको मैं नीचे भी दिखाती हूँ, मैं तो बहुत ही जल्दी से बना ली। अब मैं आपको सारा पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सारा गाजर पीस लिया है, इसमें से बिल्कुल भी जूस नहीं निकला है, बिल्कुल भी जूस नहीं निकला है। आप इसे एक बार ट्राई करें, आपको भी पता चल जाएगा। अब हम कढ़ाई को गर्म करेंगे। हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, हमें घी नहीं डालना है, हम ऐसे ही इसे फ्राई करेंगे। इसको हम अच्छे से पका लेंगे फ्राई करते हुए, और इसका जो मॉइस्चर है, नमी, उसे हम बिल्कुल ही निकाल लेंगे, बिल्कुल ही इसको हम ड्राई कर देंगे, जिससे हमारा गाजर अच्छा हो जाएगा। अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे बिना घी में। हमें लगातार ऐसे ही इसे चलाते रहना है थोड़े देर देर पे, जिससे कि हमारा गाजर पैन में चिपके ना। अब इसे हम ढक देंगे, थोड़ा हम इसे पकाएंगे, 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे। ये देखिए, कलर चेंज हो गया है पकने के बाद, हल्का कलर अभी चेंज हुआ है, ऑरेंज हो गया है, रेड जो था हमारा गाजर। इसे अभी हम फ्राई ही करेंगे,
फिर से इसे हम ढक देंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए अभी इसे हम फिर फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा गाजर बिल्कुल ड्राई हो गया है, आप देख सकते हैं ड्राई हो गया है हमारा गाजर। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। मेरा मेल्ट नहीं है घी, अगर आपका मेल्ट घी हो तो आप 2 टेबल स्पून ऐड करें, ज्यादा नहीं। अगर आप ज्यादा घी चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो आप ज्यादा डाल सकते हैं। अब हम अपने फ्लेम को बिल्कुल ही सीम कर देंगे और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। अब थोड़ा देर इसे हम घी में फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गाजर, बिल्कुल थोड़ा सा हो गया है ना। अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। मैंने 1 कटोरी चीनी लिया है क्योंकि मेरा 1 केजी गाजर है, इसलिए 1 ही कटोरी लिया है, लगभग 100 से 150 ग्राम। आपका ज्यादा हो तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा चीनी मेल्ट हो रहा है। अब हम गैस को हाई फ्लेम कर देंगे, जो हमने चीनी डाला है वो जल्दी से ड्राई हो जाए, फिर हम इसे ढक देंगे, पकने देंगे। देखिए अब इसे हम फिर से फ्राई करेंगे। इसी तरह हमें इसे अच्छे से फ्राई करते रहना है। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, देखिए मेरा बिल्कुल ही ड्राई हो गया है गाजर और बहुत देखने में सुंदर भी लग रहा है फ्रेंड्स। ये देखने में नहीं, खाने में बहुत टेस्टी लगा मुझे। आप जरूर ट्राई करना, बहुत जल्दी ही बन जाते हैं, आपको समय भी कम लगेगा। अब मैं इसमें खोया डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन दूध को भी आपको हाई फ्लेम पे सुखाना पड़ेगा। नहीं हो तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। खोया डालने से फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं हमारा हलवा, दूध या मलाई डालने से थोड़ा टाइम लगता है, उसे हमें सुखाना पड़ता है, इसलिए कोशिश करें खोया ही डालें, बहुत जल्दी आपके हलवा रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब कितना खूबसूरत लग रहा है मेरा हलवा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। मैंने आलमंड और किशमिश लिया है, आप चाहे तो पिस्ता काजू ये भी ले सकते हैं। अब इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। अब इसे भी हम फ्राई कर लेंगे थोड़े देर। मिक्स करना है, फ्राई नहीं करना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। देखिए हमारा हलवा अब रेडी हो गया है, बिल्कुल ही रेडी हो गया है। है ना?
फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप प्लीज़ हमें कमेंट किया करें, मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम गैस बंद कर देंगे। मेरा हलवा बिल्कुल रेडी हो गया, अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।